यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं डाटा हैंडलिंग, यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन। ये आपका क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें आप किसी भी डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है इसके अंदर। मतलब इससे रिलेवेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर पूछे गए। तो बेसिकली हम लोग एक क्वेश्चन का आइडिया ले लेते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के टॉपिक को हम लोगों को कवर करना है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा, बेसिक आप डाटा को कैसे मैनेज करेंगे, है ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। वो बिल्कुल बेसिक रहेंगे, आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज़ें हमें कवर करनी, जो हमारी एग्जाम में पूछी जाती है, इवन प्रीवियस पेपर में पूछी गई है, जैसे कि आपको याद होगा मीन, मोड, मीडियन, बहुलक, माध्य और माध्यिका, राइट, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके इसी चैप्टर का हिस्सा है, डेटा हैंडलिंग का ही हिस्सा है। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर आपको प्रायिकता भी सिखाई जाएगी, प्रोबेबिलिटी भी सिखाई जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी आपका डेटा हैंडलिंग का ही हिस्सा है, राइट। तो ये कुछ टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, मीन, मोड, मीडियन वाले, एएम, अरिथमेटिक मीन हम लोग निकालेंगे, राइट। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा एवरेज वाले क्वेश्चन, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मिक्स है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो उस तरीके से 4 से 5 टॉपिक को हम लोगों को इस यूनिट के अंदर, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कवर करना है, ओके। तो सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करते जाएंगे और उनकी थ्योरी को भी हम लोग यहाँ पर समझते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है कि आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। मतलब 3 दिन में वो 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ा है, तो उसका प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है, ये आपको निकालना है, ठीक है। औसत एवरेज की बात की, औसत एवरेज के हम लोग 3 लेवल के क्वेश्चन कर चुके हैं, लेवल 1, 2 एंड 3, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। यदि वो नहीं देखा है तो इसी मैथ्स की प्लेलिस्ट के अंदर टॉप पर आपको वही 3 वीडियो मिलेंगे, जिसमें सारे टफ लेवल के क्वेश्चन, इजी टू टफ हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग एवरेज को सॉल्व करते हैं। एवरेज कैसे निकलेगा, 4 + 5 + 3 / 3, यानी कि 4 + 5, 9 और 3 कितने होते हैं, 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, यानी कि वो 4 घंटे जो है एक एवरेज यहाँ पर पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। तो ये बिल्कुल एक बेसिक औसत का क्वेश्चन था, हम लोगों ने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि उदाहरण 2 के ऊपर बढ़ेंगे। एक बल्लेबाज की जो 6 इनिंग्स थी, यानी कि जो 6 पारियाँ थी, उसमें उसने क्रमशः 36, 35, 50, 46, 60 और 55 रन बनाए हैं। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है कि इसका माध्य कितना होगा, राइट। तो माध्य हम लोगों को निकालना है। तो माध्य कैसे निकाला जाता है, यदि हम लोग माध्य या फिर अरिथमेटिक मीन की बात करें, जिसे हम लोग इंग्लिश में एम, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि सभी प्रेक्षणों, जितने भी प्रेक्षण, यानी कि जितने भी यहाँ पर नंबर्स दिए गए, सभी प्रेक्षणों का योग डिवाइड बाय प्रेक्षणों की संख्या। हम लोग बोल सकते हैं सभी प्रेक्षणों का योग, तो सभी प्रेक्षणों का आप योग करेंगे, इनका आप योग करेंगे यहाँ पर, यानी कि 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55 हो गए 6, ये 6 ही होगा। टोटल कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन हैं यहाँ पर, है ना, तो ये यहाँ पर 6 बार लिया गया, 6 अलग अलग बार यहाँ पर रन लिए गए। तो इन सभी को जोड़कर आपको यदि 6 से भाग लगा देते हो तो आपका एएम की वैल्यू आ जाएगी, माध्य यहाँ पर, अरिथमेटिक मीन यहाँ पर निकल जाएगा। तो इन सभी को जोड़िए और 6 का भाग लगाइए, कितना आंसर आएगा इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 282 को हमें 6 से डिवाइड करना है, 6 चौक 24, 6 सात 42, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 47। तो बस आपको यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला ही याद रखना है, सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का मतलब आप इन सबका योग करेंगे, और टोटल कितनी इनिंग है, 6 पारियाँ हैं, तो आप 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से बेसिक हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया औसत का, दूसरा हमने एम कर लिया। अब तीसरा एक टाइप होता है जिसे हम लोग प्रसार या परिसर, यानी कि रेंज बोलते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि अधिकतम रेंज क्या है, मिनिमम रेंज क्या है, तो ये इस तरीके से रेंज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर से हमें प्रेक्षण के अनुसार का एक अनुमान लग जाता है, इसका एक वैल्यू क्या रहा होगा। इसमें क्या करा जाता है, प्रसार, परिसर या फिर रेंज को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटा दीजिए, इससे आपका प्रसार निकल कर आ जाएगा, इससे आपका परिसर निकल कर आ जाएगा। एक क्वेश्चन कंप्लीट करके देखते हैं, आपका एक थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु दे रखी है, मतलब ये स्कूल के 10 टीचर है, ये 10 टीचर की आयु है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी, सबसे बड़े उम्र की आयु क्या है, सबसे बड़े उम्र वाले जो टीचर हैं उनकी आयु क्या है, सबसे छोटे उम्र वाले टीचर की आयु क्या है, ये आपको यहाँ से देखने से ही मिल जाएगी।
फिर आपको यहाँ पर परिसर यानी कि रेंज निकालने को बोला गया, और यहाँ पर आपको एम यानी कि अरिथमेटिक मीन को निकालने को बोला गया। इसमें तीन अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहला वाला तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से कर लेंगे। सबसे ज्यादा उम्र यानी कि सबसे ज्यादा एज आपको क्या दिख रही है, यहाँ पर 54 दिख रही है। तो ये सबसे ज्यादा एज वाला जो व्यक्ति है, सबसे एज वाला जो अध्यापक है, उसकी आयु होगी यहाँ पर 54 वर्ष। और सबसे कम एज किसकी दिख रही है, 26 से भी कम यहाँ पर दिख रहा है 23। तो ये सबसे कम वाले की होगी, ठीक है। ये सबसे ज्यादा वाले की 54 और सबसे कम वाले की हम लोगों को दिख रही है 23। अध्यापकों की आयु का कुल परिसर क्या है, तो अभी अभी हमने थ्योरी पढ़ा कि जब भी हमें रेंज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़े फ्रैक्शन में से सबसे छोटे फ्रैक्शन को माइनस कर देते। तो अभी हमने निकाला सबसे बड़ी एज क्या है, 54 है। सबसे छोटी एज क्या है, 23 है। तो 54 में से 23 को माइनस कर देते तो ये कितना बचेगा, 31 बचेगा। तो ये हमारा निकल कर आ गया यहाँ पर रेंज या फिर परिसर कितना, 31। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब आपको यहाँ पर माध्य आयु निकालनी है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग, इन सबको जोड़ेंगे और कितने हैं ये 10 है, इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाइए और जोड़िए इन सबको आप अपने हिसाब से कि क्या बनेगा। और यहाँ पर टोटल नंबर हम लोग बोल सकते हैं, है ना, प्रेक्षणों की संख्या हम लोग बोल सकते हैं। जोड़िए इनको डायरेक्टली, आप यहाँ ऊपर की साइड ही जोड़ लीजिए। चलिए आगे आप सभी का आंसर क्या आया, 350 आ रहा है जोड़ने पर, डिवाइड किया हमने 10 से, तो यहाँ पर कितना आ गया, माध्य आयु बोले तो इनकी जो माध्य आयु है वो कितनी आ गई, 35 वर्ष आ गई, राइट। तो करेक्ट आंसर आपके तीन बन रहे हैं, सबसे बड़ी उम्र 54, सबसे छोटी उम्र की बात की जाए तो 23। इनका परिसर क्या है, 54 में से 23 को घटा दे यानी सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू को घटा दे, 31 जो आपकी रेंज आ जाएगी। और माध्य आयु निकालने को बोला जाए तो सभी को जोड़े और उस नंबर से डिवाइड कर दे। नंबर आपको दे रखा था ये 10 नंबर है, हमने 350 जोड़ा और इसको 10 से डिवाइड कर दिया, हम लोगों का आंसर आ गया 35 वर्ष, ठीक है। चलो और कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को कंप्लीट करना है ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। एक कक्षा का जब मूल्यांकन किया गया तो कुछ अंक निकाले गए, है ना, 4, 6, 7, 5, इस तरीके से एक सीरीज बनी है नंबर्स की। अब आपको बताना है कि इसमें सबसे बड़ा अंक आपको कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा अंक कौन सा दिख रहा है, इसका परिसर रेंज क्या है, और इसका अरिथमेटिक मीन या फिर नॉर्मल इसे आप माध्य बोल सकते हो, इसका माध्य क्या है, ठीक है। वन बाय वन करके आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करें कि क्या बन पा रहा है यहाँ पर। देखो सबसे बड़ा अंक इधर देखने से तो लग रहा है 7 होगा, 7 से बड़ा कोई है क्या, 7 से बड़ा हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है 9। तो सबसे बड़ा अंक क्या हो गया, 9 हो गया। सबसे छोटा अंक 1 होगा या 0 होगा, ठीक है। सबसे छोटा तो ये 0 दिख नहीं रहा है, तो सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप इतने तेज दृष्टि से आप लोग स्कीमिंग कर सकते हैं ना, वो वाली चीज यहाँ पर काम आएगी, ठीक है। इन अंकों का या फिर जो ये आंकड़े वो आपको दे रखे हैं, इनका परिसर क्या है, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर लेना है, सबसे बड़े फ्रैक्शन में से छोटे को माइनस कर लेना है, तो 8 आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आगे की बात करेंगे, माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए आपको सभी नंबर्स को जोड़ना है और इनको काउंट करना है कि ये टोटल कितने हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से करिए, मैं अपने हिसाब से इनको जोड़ती हूँ। आ रहा है टोटल, तो अरिथमेटिक मीन की बात करेंगे, अंकगणितीय माध्य की बात करेंगे, तो माध्य कितना निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा, ठीक है। इन सभी नंबर्स को आपको जोड़ना है, 6, 4, 10, 7, 17, 5, 22, 3, 25, 5, 30, 4, 34, इस तरीके से आप स्पीड से जोड़ते जाएंगे, आपको टोटल नंबर मिलेंगे 100। ये कितने नंबर है टोटल, यदि आप इनको काउंट करेंगे तो ये 20 नंबर आपको दिए हुए हैं इस तरीके से। यहाँ पर हमने अलग अलग वैल्यू निकाली, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, परिसर, और यहाँ पर इसका अरिथमेटिक मीन, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की बात करें, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। यहाँ पर होती है ज्यादातर गलतियां, हमसे पूछा गया पूर्ण संख्या और इन 5 पूर्ण संख्याओं का आपको निकालना है यहाँ पर माध्य, ठीक है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, ये आप लिखेंगे यहाँ पर और उनका माध्य निकालेंगे। माध्य का फॉर्मूला आपको पता चल ही गया है, कैसे निकालेंगे हम लोग। चलिए सॉल्व करिए इसको, क्या आंसर यहाँ पर बनेगा। देखो
देखो पूर्ण संख्या हमेशा कहाँ से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है। हमको कितने नंबर चाहिए, हमको 5 नंबर चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5, राइट। हो गए 5। अब इन पांचों संख्याओं को आप जोड़िए, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय कितने नंबर है, ये 5 नंबर है दिख रहे हैं आपको, 4 तो ये हो गए और 1 0, ये टोटल कितने नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको 5 तक कंसीडर कर लिया होगा या फिर 0 को हटाकर 5 लिख दिया होगा, लेकिन हमको पूछा है कि प्रथम 5, तो प्रथम तो शुरू 0 से होगा, इन सबको जोड़ लो, 7 × 2 = 10, 10/5 कितना होता है, 2, तो ये माध्य कितना आ गया, इसका माध्य आ गया आप सभी का 2, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ये इस तरीके से आपके माध्य बहुलक मोड वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो 8 पारियाँ दे रखी है, टोटल आपको 8 नंबर्स दिए हुए हैं और आपको माध्य स्कोर निकालना है ना, या फिर माध्य रन आपको निकालना है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सभी को जोड़कर आपको क्या करना है, 8 से भाग लगाना है। इन सभी को जोड़िए, कितने नंबर आएंगे उसको 8 से भाग लगाइए। ठीक है अब इसको बस आठ से भाग लगा देते 8 5 जो 40 8 3 24 425 ही हो रहा है मैंने गलत से ऑप्शन में नहीं है वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं 14 5 19 6 25 2 10 40 ये 400 5 है 400 5 को हमें क्या करना है 400 5 को 8 से भाग लगाना है 8 5 जो 40 भाग नहीं गया उसकी 0। ठीक है अब ये कितना बचेगा, 50 हो गया, तो ये 8 6 48, फिर ये 2 हो गया, तो 8 × 2 = 16, 50.62, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी जल्दी करने में भी इस तरीके की कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो बिल्कुल ध्यान से करना है हम लोगों को इन चीज़ों को। ठीक है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका 50.62, ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको सिर्फ माध्य स्कोर निकालना था। अब यहाँ पर आ गया मेन आपका डाटो का, जो आपका डेटा दिया हुआ है उसका प्रबंधन करना, आंकड़ों का प्रबंधन करना। कि आपको यहाँ पर खिलाड़ी दे रखे हैं ABC, खेल दे रखा है खेल 1 2 3, इस प्रकार से 4 अलग अलग गेम्स होते हैं, इसमें से हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर निकालना है। 4 क्वेश्चन है तो आंसर भी आपके 4 आने चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए उसका माध्य आपको निकालना है, मतलब ए के द्वारा जो है ये वाला ए वाला सीरीज है, क्योंकि ए ने गेम 1 2 3 और 4 को खेला है, इसका माध्य कितना होगा, तो आप क्या करें, इन चारों नंबर को जोड़ें, 14 + 16 + 10 + 10 और डिवाइड कर लें 4 से, क्योंकि 4 गेम खेले हैं इसने ना, टोटल गेम कितने, टोटल गेम 4 है, तो बस आपको इनको जोड़ना ही था, 14 16 30 20 50 50 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना बन जाएगा, 12.5, यानी कि पहले वाले का आंसर आपका कितना आ जाएगा, 12.5, यहाँ पर लिख देते हैं 12.5, ये आपका पहले वाले का आंसर आ गया, स्कोर की बात हो रही है ना। दूसरा है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित मार्क भी अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों में 3 से भाग लगाएंगे या 4 से भाग लगाएंगे, टोटल गेम कितने हुए, टोटल गेम यहाँ पर 4 हुए, तो हम लोग 4 से भाग लगाएंगे, है ना, तो ये 8 11 और 13, ठीक है, तो ये 8 + 11 + 13 / 4, क्योंकि गेम तो 4 हुए थे, अब इसने खेला नहीं खेला, इसने 0 स्कोर किया, वो चीज़ यहाँ पर मैटर नहीं करेगी, हम लोग कितने से भाग लगाएंगे, यहाँ पर भाग लगाएंगे 4 से, ठीक है, तो 11 और 8 कितने हो गए, 19 19 + 13 9 3 22 32 32/4, तो ये कितना हो जाएगा, 8 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया था, बी ने 4 खेलों में भाग लिया, ठीक है, तो इसका माध्य आप कैसे निकालेंगे, तो आप इसको यहाँ पर जोड़ें, 8 और 6 = 14 और 4 कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है, 18 को आप 4 से भाग लगा दें, 4 × 16 = 4 × 2 = 20, यानी कि 4.5 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। तो हम लोगों ने क्या करा, तीनों के यहाँ पर माध्य निकाल लिए। अब हमने बताना है कि किसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, तो ये आपको डायरेक्टली देखो देखने से ही पता चल जाएगा, हर गेम में सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया, ए ने किया, तो सबसे अच्छा किसने खेला है, ए ने खेला, या फिर आपने सभी की वैल्यू को यहाँ पर सम कर ही लिया था, ये कितना आ गया था, 50 आ गया था, ये 8 और 6 = 14 और 4 कितना आ गया था, 18 आ गया था, ठीक है, और ये 8 और 11 = 19 19 और 13 कितने हो जाएंगे, ये आपके 32, तो सबसे अच्छा किसने खेला, सबसे अच्छा यहाँ पर ए ने खेला है, राइट। तो ये इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा, इसमें 4 अलग अलग प्रकार के आपको प्रश्न दिए गए थे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन चारों को जोड़ते जाना है, 4 का भाग लगाते जाना है, इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि एक समूह के द्वारा 100 में से कुछ अंक प्राप्त किए गए या आपको अंक दिए गए, इसमें से आपको बताना है सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक कौन से, इसका परिसर क्या है, उसका माध्य क्या है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, बताना है कि आंसर यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा अंक आपको कौन से दिख रहे हैं इसके अंदर,
85, उससे भी ज्यादा 90, 90 से ज्यादा कोई है क्या? ऐसे कंपेयर कर लो, जैसे सबसे जिस भी नंबर पर नजर जा रही है 85, 85 से बड़ा कौन है? 90, 90 से बड़ा और कोई है क्या? यस, 90 से बड़ा है हमारे पास 95। तो सबसे अधिक अंक क्या हो गया? सबसे अधिक अंक हो गया 95। और सबसे कम अंक की बात की जाए, सबसे कम अंक यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है? 56। 56 से भी छोटा यहाँ पर 48 है, और 48 से भी छोटा हम लोगों को 39 दिख रहा है। तो सबसे छोटा अंक हम लोग बोल सकते हैं 39 है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे ये बोला गया है कि प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर में होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सबसे अधिक अंक में से सबसे छोटे अंक को घटा दीजिए, तो ये आपका 64 इसका आंसर आ जाएगा। 95, सॉरी, 15 में से 9 गए तो 6, ठीक है, और ये कितना बचा हुआ है? 8, 8 में से 3 गए तो 5, तो ये आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 56, ठीक है। तो मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 56। ये क्या बन गया? हम लोगों का परिसर बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों को पूछा गया कि आपको माध्य निकालना है, तो वही हम इन सारे नंबर्स को जोड़ेंगे और कितने नंबर है उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल तो 10 नंबर इनको जोड़ लेते हैं। तिहत्तर आ रहा है, 730 आ रहा है। 730 को 10 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 73। तो यहाँ पर जो नंबर आए हैं, अरिथमेटिक मीन की बात करें या माध्य की बात करें, तो माध्य कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जोड़ सकते हैं, 85, 76, इन सभी को जोड़ेंगे तो सम 730 आना चाहिए। टोटल ये कितने नंबर है? 10 नंबर है। 10 से डिवाइड करेंगे तो 73 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये तीन क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है, 6 क्रमागत वर्षों के अंदर एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है कि हर साल स्कूल में कितने विद्यार्थी इनरोल करते हैं, और यहाँ पर आपको निकालना है माध्य। तो कुछ नहीं है, इन सबको जोड़कर आपको 6 के भाग लगाने, क्योंकि 3 और 3 6 नंबर्स दे रखे हैं, राइट। तो इसको सॉल्व करिए, इन सभी का सम करना है आपको, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बारह, 348 जो है इसका टोटल सम आएगा। आप इसको एक बार सम करेंगे, इसका सम आपका 12,348 आना चाहिए। इसको आप क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 × 12, ठीक है, भाग में गया 0, 6×5 जो 30, 6×8 48, 2058 आंसर आना चाहिए। ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका 2058 ही होगा। एक बार से और जोड़ लेते हैं, शायद मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया। यस, 2058 ही आएगा, सही है। ये सम दो बार किया था, 1, 2, 3, 4, 8 ही आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका 2058, ठीक है। इसको आप 2058 कर लें ऑप्शन नंबर बी को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न में आपको ये दिया हुआ है कि 7 दिनों में हुई वर्षा जो है आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करके बताई गई है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि और रविवार को इतनी इतनी वर्षा हुई थी। अब आपको यहाँ पर निकालना है परिसर, ठीक है। परिसर निकालने के लिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम नंबर पता होना चाहिए। जब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको यहाँ पर परिसर मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर निकालना है माध्य, मीन क्या होगा। और आपको अगला प्रश्न थोड़ा सा नया है कि कितने दिन वर्षा जो है माध्य वर्षा से कम हुई है, ठीक है। आपको ये चीज़ भी बतानी कि माध्य निकालोगे उसके बाद आपको कंपेयर करना है। चलिए इसको सॉल्व करिए, मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करिए। 12 मैक्सिमम, 12 से बड़ा कोई है? यस, 12 से बड़ा है हमारा 20.5। मिनिमम कितना है? 0.0, वो दिख रहा है, 0 से छोटा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, और माइनस में नंबर है नहीं, तो बस 20.5 ही आपका क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा, ठीक है। तो परिसर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, रेंज निकाल ली इसकी 20.5।
आगे यदि हम लोग बात करें, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को सॉल्व करनी है कि माध्य वर्षा, तो इन सबको जोड़ लीजिए, 14, 5, 19 और 20, 20, 40 होते हैं, ठीक है, और पॉइंट वाली संख्या को जोड़ लेते, 2 और 1 3 और 5 8 और 5 13, राइट, 1 हासिल का, यानी कि 41.3, और डिवाइड कितने से करना है, 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, 41.3 को 7 से डिवाइड करिए, 7 और 5 35, 6 बचेंगे, 7 9 63, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो माध्य वर्षा निकाली है वो कितने निकाल लिए, 5.9 निकाल लिए, तो ये इसकी वैल्यू आ गई हम लोगों की 5.9 mm, ठीक है, माध्य वर्षा हो गई। अब कितने दिन वर्षा जो है माध्य वर्षा से, माध्य वर्षा कितनी है, 5.9, अरिथमेटिक मीन से कम हुई है, मतलब 5.9 से कम यहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुई है, और 5.9 है ना, तो ये भी कम है और ये भी आपका कम है, 2, 3, 4 और 5, मतलब 5 दिन जो वर्षा है हम लोगों ने जो एक मीन निकाला था उस मीन से कम हुई है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। एक बार से और देख ले, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा नया है। सबसे पहले परिसर निकालने को बोला गया था, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दिया, 0.0 यहाँ पर भी सेम ही है, ठीक है, तो बात तो वही है, 20.5 ही आपका आंसर आना है। माध्य वर्षा इन सबको हमने जोड़ा था और डिवाइड किया था 7 से, ठीक है, तो 5.9 आ गया, ठीक है, इसको हमने टोटल सम करके 7 से डिवाइड किया था, तो 5.9, क्योंकि 41.3 समथिंग आया था उसको 7 से डिवाइड किया, 41.3 आया था उसको 7 से डिवाइड किया, तो 7 और 5 35 हो रहा था और 7 9 63 होता है, तो ये वैल्यू हम लोगों की आ गई थी। उसके बाद माध्य वर्षा यानी कि 5.9 से कम कितनी बार हुई है, 5 बार हुई है, और अधिक की बात करेंगे तो अधिक कितनी बार हुई है, 1 12 और 1 20 हम लोगों को दिख रहा है, तो कम की बात करेंगे तो कम तो 5 बार हुई है माध्य से, और अधिक की बात करेंगे तो अधिक कितनी हुई है, 5 और 2 7, राइट, ये 2 बार अधिक हुई है। तो इस तरीके से ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका नया हो गया। अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरीके का है। अगले प्रश्न को देखिए कि 10 लड़कियों की ऊंचाई आपको सेंटीमीटर में दी गई और कुछ परिणाम प्राप्त हुए, तो सबसे लंबी जो लड़की है उसकी लंबाई आपको निकालनी है, मतलब क्या है वो दिखानी है इसमें, छोटी लंबी जो छोटी लड़की है उसकी लंबाई क्या है, इसका परिसर रेंज क्या है, माध्य बताना है, वही वाला क्वेश्चन कि माध्य जो है अधिक है। अब की बार आप माध्य को कंपेयर करके जितने भी नंबर अधिक है उन नंबर्स को बताएंगे, ठीक है, तो सबसे लंबा आपको या सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 49, 49 से बड़ा आपका 51 है, 51 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं है, यानी कि सबसे बड़ा जो हाइट होगी, सबसे बड़ी जो हाइट है वो 151 सेंटीमीटर की लग रही है। अब सबसे छोटी क्या होगी, सबसे छोटी को देख लो, 132 से छोटा भी कोई है क्या यहाँ पर, ये 132 दिख रहा है, 132 से छोटा 128 है, तो सबसे छोटी हाइट जो होगी वो 128 सेंटीमीटर की। परिसर क्या करना है, परिसर के लिए आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, आप 151 में से 28 को घटा लीजिए, क्या आंसर आ रहा है, 3, 23 आंसर आ रहा है। माध्य निकालना है, तो माध्य थोड़ा सा लेंदी होता है क्योंकि इतने बड़े नंबर्स को हमें सम करना होता है, इन सबको हम लोग जोड़ेंगे और बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। चौदह चौदह आ रहा है इसका सम, ठीक है, 14 14 आ रहा है, टोटल नंबर कितने हैं, 10 है, तो यहाँ पर जो हाइट आ जाएगी वो 141.4 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, इसको सम करना था, इसको सम किया तो 1414 आया टोटल सम इसका, इसको हम लोगों ने 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 141.4 सेंटीमीटर, राइट, तो ये इसका माध्य आ गया। माध्य को आप चाहे नहीं निकाल पा रहे तो आप आराम से बैठ कर या वीडियो को रोक कर आराम से निकालें, क्योंकि तो यहाँ पर मेन आपका कैलकुलेशन स्पीड ही चेक होगा और कितनी एक्यूरेसी के साथ आप उसको कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, यानी कि 141.4 से अधिक होना, ज़्यादा होना, ठीक है, तो कैलकुलेट करो, यहाँ पर काउंट करते जाओ, बताएंगे आंसर, इसका आंसर क्या होगा, कितने की लंबाई जो है यहाँ पर अधिक लग रही है, 150 और 151, 146, 139, 143 और 141.4 है, लेकिन यहाँ पर 141 है, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पर आंसर आपका कितना हो जाएगा, 5, 5 लड़कियों की लंबाई जो है
माध्य लंबाई से अधिक है, तो 5 और बच जानी चाहिए, तो काउंट कर लो 1, 2, 3, 4 और 5, है ना, टोटल 10 होना चाहिए। 10 में से 5 की अधिक है तो 5 की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये आपका एक निकल जाएगा, इसके अंदर वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने सबसे लंबी लंबी जो लड़की है उसकी लंबाई निकाली 151, सबसे छोटी की निकाली 128, परिसर निकाली 151 में हमने क्या करा था, 128 को माइनस करा था, है ना, तो 23 हम लोगों का आंसर आ गया था, तो इसका आंसर कितना हो गया 23। और माध्य लंबाई निकालने को बोला, इन सभी को हमने क्या करा, जोड़ा, उसको 10 से भाग लगाया, तो 141.4 आया। और माध्य से अधिक कितने लोगों की लंबाई है, 5 लड़कियों की लंबाई माध्य से अधिक आ रही है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। इस तरीके से अब एक क्वेश्चन और आता है बहुलक निकालने का। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बहुलक की, जिसे हम लोग बोलते हैं मोड, है ना, इंग्लिश के अंदर इसे क्या बोला जाता है, मोड बोला जाता है। देखो बहुलक निकालने का हम लोगों के पास एक तरीका होता है कि आपके पास जो समान नंबर्स है ना, आप उसे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यानी बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लें। तो इसमें एक कितनी बार दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है 3 बार, दो कितनी बार दिया हुआ है, दो आपको दिया हुआ है 3 बार, तीन कितनी बार दिया हुआ है, तीन आपको एक बार ही दिख रहा है, चार कितनी बार दिया हुआ है, चार दिया हुआ है 2 बार। अब हमको इसमें दिख रहा है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, वो हम लोगों का क्या बन जाएगा, वो हम लोगों का बन जाएगा यहाँ पर बहुलक, ठीक है। दो कितनी बार रिपीट हो रहा है, दो 4 बार रिपीट हो रहा है, एक बार इन नंबर्स को काउंट कर ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 7, 8 और 2, 10, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, दो हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4, तो आपका जो बहुलक है यानी कि मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी मॉड की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। जो सबसे बार ज़्यादा बार रिपीट होगा वो ही आपका क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग कंप्लीट करें, जैसे कि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया मॉड को, इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन और बनता है जिसे बोला जाता है मीडियन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मीडियम और हिंदी में इसका नाम होता है माध्यक। माध्यक को कैसे निकाला जाता है, माध्यक को निकालने के लिए वो ही फंडा एक बहुलक जैसे ही आप इसे क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, यानी बढ़ते हुए नंबर में इनको अरेंज कर दें। सबसे छोटा नंबर 17, 18, फिर 24, फिर 25, फिर 35, 36 और 46, है ना, इस तरीके से आप इसे क्या करेंगे, बढ़ते हुए संख्या में अरेंज कर देंगे, और जो बीच में बिल्कुल सेंटर में आ रहा होगा ना, वो आपका माध्यक होगा। तो 3 नंबर आप इधर निकाल दो, 3 नंबर आप इस साइड निकाल दो, अब सेंटर में क्या आ रहा है आपका 25, तो यही आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। वैसे इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि अभी नंबर्स कम है, लेकिन नंबर्स जब बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा नंबर होंगे, 10 से 15 की श्रेणी में यदि नंबर हुए, इस प्रकार की सीरीज चल रही है, तो उसे आप एक फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करते हैं। मीडियन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है 1/2 n+1, यहाँ से आपकी सीरीज निकलेगी, ठीक है, ये सीरीज निकल जाएगी आपकी, तो ये 1/2 n, यहाँ पर टोटल कितने नंबर है वो आपको काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर है, तो आप यहाँ पर क्या करें 7+1 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 × 8 यानी कि 4। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फोर्थ नंबर को देखना है, फोर्थ नंबर कौन सा है जो आपने अरेंज किया हुआ है 1, 2, 3 और 4, फोर नंबर क्या है आपका 25 है, तो 25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार से और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अभी तो 6 से 7 सीरीज ही थी, 7 नंबर ही थे, तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया डिफरेंस करके, लेकिन जब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जब इस तरीके की कोई लंबी सीरीज आएगी, तो फिर आप फॉर्मूला के थ्रू ही सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर। तो मीडियन को निकालने का या फिर माध्यक को निकालने का, याद रखना माध्य अलग होता है, माध्यक अलग चीज़ होती है, ठीक है। मीडियन को निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 n+1, ठीक है, 1th मतलब सीरीज का नंबर आएगा, आंसर नहीं आएगा, ये सिर्फ नंबर होगा, ठीक है। 1/2 एज इट इज लिख देते हैं, मतलब उसका हाफ करना है, n मतलब कि कितने नंबर है आपके पास, टोटल कितनी संख्या है, तो हमने गिना था अभी 7 संख्या है ये, 3, 3, 6 और 1, 7, तो ये हमने लिख दिया 7। इसमें क्या करना है, फॉर्मूला के हिसाब से आपको 1+ करना है, राइट, तो 1/2 × 8 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 4th आया, 4th मतलब चौथा नंबर निकालो, चौथा नंबर 1, 2, 3 और 4, चौथा नंबर कौन सा है, 25 है, तो अब आपका आंसर क्या आया, अब आपका आंसर आ गया 25, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो बहुलक और माध्य दोनों ही साथ में पूछे हुए हैं, और तीसरा प्रश्न पूछा हुआ है क्या ये दोनों चीज़ें समान हैं, तो हमें सबसे पहला जो टास्क कंप्लीट करना है वो ये करना है कि हम लोग क्या करें, इसे सही तरीके से अरेंज करें, ठीक है। तो इसको सही तरीके से पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको अरेंज करना है। टोटल ये 15 विद्यार्थी हैं, तो ये 15 नंबर होना चाहिए, सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 5, ये 2 बार तो नहीं है, चलो तो इसको गोला बना लेते हैं हम लोग, ताकि रिपीट भी होगा तो पता चल जाएगा,
पांच नौ, नौ के बाद क्या दिख रहा है? दस, ठीक है, पांच नौ दस, दस के बाद क्या आ रहा है? बारह, ये रहा बारह, है ना। बारह के बाद क्या दिख रहा है? दो बार तो नहीं है। बारह के बाद हम लोगों का सोलह है, ठीक है। सोलह से पहले और कुछ? सोलह के पहले पंद्रह, ठीक है, बारह पंद्रह सोलह। सोलह के बाद हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है उन्नीस, उन्नीस को भी ब्लॉक में बंद कर दो। उसके बाद बीस है, बीस दो बार तो दिख रहा है, तीन बार दिख रहा है और चार बार दिख रहा है। तो ये एक दो तीन और चार, अब बीस से बड़ा क्या है? बीस से बड़ा तेईस है, तेईस से छोटा कोई है? नहीं, तेईस है, तेईस को हमने ब्लॉक में बंद कर दिया। उसके बाद क्या बचा हुआ है? चौबीस बचा हुआ है, ये चौबीस और ये हो गया पच्चीस, है ना, और ये एक और 25, तो ये हो गया आपके 2 25। टोटल काउंट कर लो कि 15 नंबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एक दो तीन चार, हमने सही से कैलकुलेट किया, टोटल ये कितने नंबर है? 15 नंबर है। और हम लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ का बहुलक निकालना हो, किसी भी चीज़ का यदि हम लोगों को मोड निकालना हो, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा, 25 कितनी बार रिपीट हो रहा है? दो बार, है ना। और कौन रिपीट हो रहा है यहाँ पर? 20 रिपीट हो रहा है। 20 की फ्रिक्वेंसी कितनी है? चार बार है। तो मोड आपका कितना, यानी कि बहुलक आपका कितना बन जाएगा? बहुलक आपका यहाँ पर बन जाएगा, चार बार रिपीट हो रहा है तो ये आपका बहुलक हो जाएगा 20, ठीक है। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो बहुलक कितना हो गया? बहुलक हम लोगों का यहाँ पर हो गया है 20, ठीक है। तो ये पहला वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। ध्यान रखना है इस वैल्यू को, बहुलक की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है? 20 निकाली है। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब अगला सॉल्व करते हैं कि माध्यक क्या होगा। माध्यक क्या करना है? इन सभी को जोड़ना है, 15 से डिवाइड करना है। तो जोड़िए इन 15 ही नंबर को, डिवाइड करिए इसको 15 से। क्या आ रहा है जल्दी से बताइए इसका आंसर? टोटल इसको जोड़ने पर कितना नंबर हम लोगों का आ रहा है? तो ये कितना आ जाएगा? 263 हो जाएगा, राइट। तो ये 263 को आपको क्या करना है? 15 से यहाँ पर डिवाइड करना है। 263 को हम लोग क्या करेंगे? 15 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों का माध्य यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो माध्य की वैल्यू 15 एकम 15 कुछ 7 बार जाएगी, ठीक है, 17.5 समथिंग आएगा ये, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया? बहुलक निकाल लिया। बहुलक की वैल्यू कितनी आई थी अभी? 20 आई थी, क्योंकि तो रिपीटेशन जो हो रहा था सबसे ज़्यादा किसका हो रहा था? जो हम लोगों ने किया था बहुलक, बहुलक किसका था? बहुलक सबसे ज़्यादा 20 था, तो बहुलक की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लोगों ने माध्य निकाल लिया, माध्य की वैल्यू 17.5 आई है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें माध्यक की, राइट, माध्यक को कैसे निकाला जाता है, मीडियन को कैसे निकाला जाता है, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था 1/2 n+1 नंबर, यहाँ से आपका सीरीज निकलेगा 1/2 n। कितना है टोटल, कितने सीरीज है, कितने लोग है? 15 लोग है। 15 + 1 कितना हो जाएगा? 16। और 16 को हम लोग इससे 8, 2 से भाग लगाएंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब 8th नंबर को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। 8th नंबर जो कि अभी हम लोगों ने लिखा था 5, ठीक है, इसी तरीके से लिखा था हम लोगों ने, वही असेंडिंग ऑर्डर में 5 9 10 12 15 16 19 और 4 बार 20 था, ठीक है। हम लोगों को आठवां नंबर चाहिए। आठवां नंबर को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। आठवां नंबर क्या है? एट का जो नंबर है वो 20 है। तो अभी हम लोगों की क्या क्या वैल्यू निकल कर आ गई? बहुलक की वैल्यू बोलेंगे तो 20 आई थी। सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है, फ्रिक्वेंसी जो है वो किसकी है? 20 की है। उसके बाद हम लोगों ने माध्य निकाला था 17.5, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मीडियन निकाला था, माध्यक निकाला था, माध्यक भी कितना आया? 20 आ गया। हमसे पूछा गया है इन आंकड़ों में बहुलक और माध्यक को ज्ञात करिए, तो हमने दोनों वैल्यू निकाल ली। और हमसे पूछा गया है क्या ये दोनों वैल्यू समान है? यस, ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन कुछ इस प्रकार से 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 और 15, ठीक है। अब इसमें आपको माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों चीज़ें निकालनी, और अब आपको ये बताना है क्या ये तीनों चीज़ें आपकी समान है क्या?
तो सबसे पहले आप क्या करें, इसे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दें, यानी बढ़ते हुए नंबर में इसको अरेंज कर दें, आरोही क्रम के अंदर इसको अरेंज कर दें। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 6 दिख रहा है, उसके बाद 8 है, फिर 10 है, 10 कितनी बार है, दो बार है, फिर 15 है, 15 भी एक दो और तीन बार दिख रहा है, ये 15 का 3 बार रिपीटेशन हो गया। उसके बाद 50 होगा, 80 होगा, 120 है, 100 होगा, और उसके बाद 120 हो जाना है, 50, 80, 100 और 120, राइट। और कितने नंबर से इनको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि दिया तो नहीं है प्रश्न के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, टोटल ये 11 नंबर होना चाहिए, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हम लोगों ने 11 ही नंबर को यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो अब आपको निकालना है माध्य, तो माध्य निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इन सबको जोड़ना है और टोटल नंबर से भाग लगाना है, 11 से भाग लगाना है। जोड़ लीजिए इनको, 14, 14, 429 आएगा, राइट। एक बार से इसे जोड़ कर देखिए, 429 आ रहा है ये। ठीक है, अब 429 को 11 से भाग लगाते हैं तो हम लोगों का यहाँ पर माध्य निकल कर आ जाएगा, मीन निकल कर आ जाएगा कि मीन की वैल्यू क्या आ रही है, 11 33 और 11 99, तो माध्य हम लोगों का निकल कर आ गया 39। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमसे पूछा गया है कि बहुलक की वैल्यू निकालिए, मोड निकालिए। मोड कैसे निकाला जाता है, जिसका रिपीटेशन सबसे ज़्यादा होता है, कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 15 हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है और 10 दो बार हो रहा है, तो बहुलक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो ये बहुलक की वैल्यू आ गई। उसके बाद आप लोगों को माध्यक निकालना है, मीडियन निकालना है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, उस फॉर्मूला से निकाल लो, 1/2 और n+1। ठीक है, तो ये 1/2, एन कितना है आपके पास, टोटल कितने नंबर है, ये 11 नंबर है, 11 + 1 कितना हो जाएगा, 1 करना है 12, तो 6 नंबर पर आप पहुंच जाएं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा और छठा। तो इसका जो माध्यक आएगा वो माध्यक कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 15 हो जाएगा। और डायरेक्टली भी आप निकालना चाहते थे तो देखो आप ऐसे निकाल सकते हो उसको, कि टोटल कितने नंबर है, 11 नंबर है ना, तो आप क्या करें, यहाँ से 5 नंबर को अलग कर दें, ये 5 नंबर का एक पेयर, और इधर से 5 नंबर को अलग कर दें, ये 5 नंबर इधर अलग हो गए, जो बीच में बच गया वो आपका क्या बन जाएगा, माध्यक बन जाएगा। और फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे तो भी आपका आंसर 15 ही आना था, और ऐसे ही देख कर निकालोगे तो भी आंसर कितना आएगा, तो भी आपका आंसर 15 ही बनेगा। तो इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं मीन मॉड मीडियन को। ठीक है, याद रहेगा कैसे हम लोगों ने इन तीन चीज़ों को आज के सेशन में सॉल्व करना सीखा है। ये आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं माध्य का, ये आपका मॉड हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं बहुलक, और ये क्या हो गया आपका माध्य हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सभी चीज़ों का सम करना होता है। ठीक है, जितने भी नंबर्स आते हैं आप उनका क्या करते हैं, सम करते हो, टोटल नंबर का जो संख्या है उससे आप इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बहुलक में हम लोग बोल सकते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जा रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे इसमें 15 का रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो ये 15 आपका आंसर हो गया। फिर यदि माध्यिका की बात की जाए तो माध्यिका में आप क्या करिए, जो फॉर्मूला बताया गया है कि 1/2, 1/2, n+1, जो वो सीरीज का नंबर है वो आपका क्या बन जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे करो कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आधे आधे कर लो, जो बीच में बच रहा है वो आपका माध्यिका हो जाएगा। तो इसको करने के दो तरीके माध्यिका को सॉल्व करने के, राइट। चलो, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करेंगे। 15 विद्यार्थी के भार आपको यहाँ पर दिए गए, आपको बहुलक निकालना है, जो इसका रिपीटेशन आपको सबसे ज़्यादा बार दिख रहा होगा, उसमें 43 सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, या फिर और भी नंबर्स हो सकता है, वो आप अच्छे से देखेंगे एक बार। माध्यक निकालेंगे, माध्यक आपको पता ही है आप कैसे निकालेंगे, n+1, है ना, तो 1/2, n कितना है 15, और एक कितना हो जाएगा 16, मतलब 8th नंबर कौन सा आएगा जब आप इसे बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे, तो वो आपका माध्यक हो जाएगा। और इन्हें पूछा गया है कि क्या इसमें एक से अधिक बहुलक है, मतलब 43 हम लोगों को दिख रहा है कि 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसा कोई अंक है जो भी 3 बार रिपीट हो रहा हो, यदि हो रहा हो तो आप बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर 2 बहुलक होंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, कमेंट करके बताना है आंसर क्या होगा। इस प्रश्न को भी आप सॉल्व करेंगे जिसमें आपको बहुलक और माध्यक को बताना है, ये आपको PDF मिल जाएगा, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। 3 आपका होमवर्क है, 3 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संयोग और प्रायिकता क्या होती है,
ये शब्द प्राय हमारे जीवन में देखने को आते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि किसी भी कार्य को होने की प्रोबेबिलिटी कम चांसेस है, तो वही सारी चीजें संयोग और प्रोबेबिलिटी को बताता है। लाइक आज वर्षा होने की संभावना है, आज पॉसिबिलिटी है कि भारत जो है अपना मैच जीत सकती है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, जिसको हम लोग यदि काउंट करें नंबर्स के अंदर तो उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, कुछ एग्जाम्पल सिखाए गए हैं कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, क्या इसकी संभावना है? तो इसकी संभावना कभी नहीं होगी। एक चींटी की ऊंचाई जो है 3 मीटर हो जाती है, तो क्या इसकी संभावना है? इसकी संभावना भी कभी नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी उन्हीं की होती है जिनके होने के कुछ चांसेस हो, इसीलिए उसका नाम संभावना रखा गया और उसी से बनता है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। एक डब्बे के अंदर 6 कंचे रखे हुए, ठीक है, इनमें एक से लेकर 6 तक की संख्या अंकित है। 6 कंचे, तो सब पर अपना नंबर लिखा हुआ है, 3, 4, 5 और एक और 6 करके। हमसे पूछा गया है संख्या 2 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता, है ना? तो हम लोग जो प्रायिकता है उसको कैसे निकालते हैं, पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि टोटल कितने आउटकम हैं। टोटल आउटकम हमारे पास 6 है, ठीक है, उसमें से संख्या 2 आनी चाहिए। हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो कंचे हैं उस पर 6 नंबर अंकित हैं, 4, 5 और 6, ये 6 कंचे हो गए। अब हमसे पूछा गया कि संख्या दो कितने पर आएगी? सिर्फ एक ही बार आएगी, एक ही बार हमने कंचे को डाला, ठीक है, तो दो दो जो है कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? 1/6। तो ये आपके पहले वाले का आंसर आ गया। दूसरे वाले की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, संख्या 5 वाला कंचा 2 वाला 1 बार आएगा, तो डेफिनेटली बात है कि 5 वाला होगा, 6 वाला होगा, कोई भी कंचा होगा, तो वो सिर्फ एक बार ही निकाल पाओगे ना। और टोटल आउटकम कितने? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी, ठीक है। एक बार से और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। संख्या 3 वाले कंचे आने की प्रायिकता, संख्या 3 और कंचे में 1 से 6 तक अंकित है, 3 वाला कितनी बार निकाल सकते हो? एक ही बार निकाल सकते हो, 6 बार में से। इसका भी आंसर आपका क्या बनेगा? 1/6 बनेगा। 4 निकालने की प्रायिकता भी 1/6, 5 नंबर को निकालने की प्रायिकता भी आपकी 1/6, और 6 नंबर को निकालने की प्रायिकता भी आपकी 1/6 होगी, क्योंकि 6 केसेस में से टोटल 6 संभावना बनेगी, जिसमें से एक बार आप निकाल सकते हो उस नंबर को। यहाँ पर दोनों का ही आंसर कितना हो जाएगा? 1/6 एंड 1/6 हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्के को उछाला जाता है जिस पर एक पर हेड आएगा और एक पर टेल आएगा, यानी कि एक पर चित्ता आएगा और दूसरे पर पट्टा आएगा। इसकी क्या संभावना है कि आपकी टीम जो है खेल को प्रारंभ करेगी? मान लो आपने सोचा था कि आपकी यदि हेड आता है तो आपकी टीम खेलेगी और टेल आता है तो दूसरी टीम यहाँ पर बैटिंग करेगी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है हेड और टेल को, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। चाहे आपने सोचा हो कि टेल आएगा, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/2 है। तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में 2 ही प्रश्न दिए गए थे प्रोबेबिलिटी के, यानी कि बेसिक जानकारी बच्चों को पहली बार दी जाती है क्लास 7 के अंदर प्रोबेबिलिटी की, जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, राइट। इसका जो आंसर बन गया वो क्या बन गया? 1/2, क्योंकि 2 ही केसेस बनेंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो सकती है? 1/2 ही होगी, ठीक है। तो ये कुछ 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, जिसमें मीन मोड मीडियन को निकालना है। आप इन्हें सॉल्व करेंगे और कमेंट करके आंसर बताएंगे। मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में।